गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11th में टॉपिक चल रहा था आपका नॉमनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक अभिक्रियाओं के नामकरण किस प्रकार से दिए जाते हैं, जिसमें अगला आपका टॉपिक है एनहाइड्राइड समूह। एनहाइड्राइड बेटा क्या आपका है एनहाइड्राइड ग्रुप है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसका जनरल फार्मूला बेटा क्या होता है, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1। देखिए CO का होल ट्वाइस O। देखो बेटा इसको हम लोग क्या सकते हैं, इसको और लिख सकते हैं कि देखिए R की वैल्यू क्या होते हैं, R CO का होल ट्वाइस, ठीक है, ये इसका समान सूत्र है। अब देखिए इसका बेटा हम कहते हैं क्या है, इसके आयु पेशी में क्या होता है कि इसके बेटा आयु पेशी होता है क्या है कि हम जो भी आपका, अगर हम आयु पेशी की बात करें तो आयु पेशी में जो भी एल्केन होगा उस एल्केन में क्या होता है कि हटाकर जो सफिक्स होता है वो हम क्या बोलते हैं, ओइक एनहाइड्राइड, यानी कि सफिक्स के रूप में जो है ओइक एनहाइड्राइड जोड़ा जाता है। एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि क्या हो गया, देखिए हो गया, अब देखिए जैसे हमारा हो गया HCO का हमने क्या रखा वैल्यू, अगर हमने n बराबर 0 कर रखा तो 0 रखा, देखिए तो क्या सूत्र बेटा देखा गया HCO का होल ट्वाइस O। सकते हैं आप लोग सूत्र क्या बेटा बनेगा, HCO का होल ट्वाइस O हो गया। देखते हैं देख कितना का बेटा का हुआ है हमारा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा देखिए फॉर्मिक हमसे बना हुआ है, इसका नाम क्या होगा फॉर्मिक एनहाइड्राइड, इसका नाम होगा फॉर्मिक एनहाइड्राइड बेटा हो जाएगा। देखिए तो कहने का मतलब ये इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका, और कहीं अगर आते हैं बात किया कि स्ट्रक्चर में देखिए क्या बेटा होता है HCOOC, ये देखिए आपका फॉर्मिक एनहाइड्राइड, कहने का बेटा होता क्या है कि एनहाइड्राइड कंपाउंड कब बनते हैं कि जब किसी भी एसिड से जल का अणु आप निकाल दीजिए, किसी भी एसिड से, तो उसका एनहाइड्राइड बन जाता है। अब देखिए आपने कितने कार्बन बेटा है, ऐसे नहीं में एक कार्बन लिखा है जिसका देखिए आयु पेशी नाम क्या हो जाएगा, इसका आयु पेशी नाम क्या हो जाएगा, जाएगा एक एनिकेट करेगा मेथेनोइक इसलिए इसका नाम क्या होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक बेटा। अब आता है आयु पेशी नाम आता है, इसका आयु पेशी नाम भी किसे रखते हैं, इसका आयु पेशी नाम रखते हैं आयु पेशी नेम। देखिए कितना कार्बन है, दो कार्बन क्या हो गया एथेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक बेटा। अब देखिए इसी में क्या है कुछ हम अन्य कंपाउंड में प्रयास करेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला बेटा हमारा है नाइट्रो ग्रुप, क्या हमारा है अगला पढ़ेंगे नाइट्रो ग्रुप, बेटा नाइट्रो ग्रुप दे सकते हैं कैसे सूत्र, इसका देखिए बनता है ये होता है आपका NO2 होता है, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला बात करेंगे तो वो क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1NO2, इसका जनरल फार्मूला अर्थात समान सूत्र ये हो गया। अब इसका देखिए इसका आयु पेशी नेम में क्या होता है, इसका आयु पेशी नेम होता है नाइट्रो एल्केन, ठीक है, कह सकते हैं इसका जो आयु पेशी नाम होता है यानी आयु पेशी नेम इसको कहते हैं, नेम होता है नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन, ठीक। अब देखिए निकास पे कंपनी देखिए एन हो गया,
मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, फिर इसका सिंपल नेम हो गया, फिर इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। बहुत बेटा इजी वे पे है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी अच्छे से आएगा। हमने कितना रखा, वन रखा, लेके बैठे सूत्र क्या बन गया, CH3NO2 हो गया। ठीक है, चलो क्या आ जाएगा, देखिए इसका जाएगा नाइट्रो, इसका जाएगा मेथिल मेथेन नाइट्राइड। एक बेटा अधिक सर बेटा याद रख क्या जाएगा, इसका जाएगा नाइट्रो मेथेन। अगर हमने दो वैल्यू रखी, देखिए क्या देखोगे, CH3 CH2 NO2। एक बेटा तो क्या क्या देखा जाएगा, इसका जाएगा एथिल नाइट्राइड, क्या हो गया, एथिल नाइट्राइड हो गया। क्या कहेगा, नाइट्रो एथेन हो गया। ठीक बेटा, फिर देखें तीसरा देखिए क्या देखा कम है, CH3 CH2 CH2 NO2 देते हैं। ठीक बेटा, तो क्या बन गया, प्रोपिल बन गया, सकते हैं प्रोपिल नाइट्राइड। यहाँ बेटा देखा जाएगा नाइट्रो प्रोपेन। इस प्रकार से क्या होता है, इनके सिंपल नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों लिखे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हमारा क्या इसी बन रहा है, सल्फोनिक ग्रुप देखिए आपका। देखिए सर बेटा, हमारा था क्या था, आपका 12 समूह था आपका, अब 13 है आपका कंपाउंड्स सल्फोनिक, क्या आपका सल्फोनिक ग्रुप बेटा है। सूत्र क्या होता है, SO3H होता है, इसका SO3H है। ठीक है, अब देखिए इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, इस जनरल फॉर्मूला इसका बेटा होता है CnH2n+1SO3H। ठीक, आईयूपीएसी नेम से इसका होता है, वैसे इसका मिलता है, जैसे आप आईयूपीएसी नेम से आईयूपीएसी नेम इसका हो जाएगा सल्फो एल्केन। ठीक है, अब बेटा देखिए उसे नामों में देखिए एन की वैल्यू, मॉलिक्यूलर फार्मूला, सिंपल नेम, फिर इसका आईयूपीएसी नेम। देखिए हमारा प्रयास है कि आपको सूत्र निकालना आ जाए, आपको नाम लिखना आ जाए, नाम पढ़ना आ जाए, नाम लेना आ जाए, जिससे कि आप अच्छे से आगे की केमिस्ट्री को पढ़ सके और उसे तैयार कर सके। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉमेनक्लेचर वेरी इंपॉर्टेंट है, बिना नाम आए आपको रिएक्शंस नहीं आने वाली, कंपाउंड लिखना नहीं आएगा आपको। देखिए एंट्रोड कितना हमने रखा, देखिए बात रखा तो क्या हो गया, CH3SO3H हो गया। देखिए बड़ा सिंपल नेम क्या हो जाएगा, सिंपल नेम हो जाएगा मेथिल सल्फोनिक एसिड, मेथिल सल्फोनिक एसिड हो गया। अब देखिए इसका बेटा क्या हो जाएगा, सल्फो मेथेन, सल्फो मेथेन हो गया। ठीक है, अब देखिए सेकंड नंबर का सूत्र रखा, तो क्या आ जाएगा, जाएगा C2H5SO3H। ठीक, सर नाम क्या देखो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, देखिए आपका सीटी है, क्या आपका एथिल है, क्या हो गया एथिल हो गया। ठीक, SO3H मतलब क्या हो गया, सल्फोनिक एसिड हो गया, एथिल सल्फोनिक एसिड। ठीक, यहाँ देखिए क्या जाएगा आपका, देखिए सल्फो हो गया एथेन हो गया, सल्फो एथेन हो गया। फिर देखिए थर्ड देखिए C3H7SO3H हो गया। ठीक बेटा, सर क्या जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा, प्रोपिल सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड क्या जाएगा, प्रोपिल सल्फोनिक एसिड। आप देखिए
आईयूपीएसी में ये क्या जाएगा, सल्फो प्रोपेन। ठीक है बेटा, इस प्रकार से इनके नाम हो जाते हैं। अब देखते हैं अगला हमारा ईथर लेते क्या लेते हैं, ईथर समूह लेते हैं। देखिए जिस प्रकार से हमारा कीटोन था उसी प्रकार से ईथर भी होता है, तो ईथर भी दो प्रकार के होते हैं। कैसे देखिए, पहला क्या देखिए, आर ओ आर, देखिए इसका संकेत बेटा क्या है, इसमें जो ऑक्सीजन होता है उससे क्या होता है, दो जो है समूह को जोड़ा जाता है, इसे ईथर समूह भी कहते हैं। इसे कहेंगे बेटा ये रखा है इसे ओ आर देखिए, इसे कहते हैं एल्कोक्सी, इसको एल्कोक्सी ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है बेटा, देखिए आर ओ आर दे रखा है, इसे कहते हैं सिंपल ईथर। ठीक बेटा, सेकंड क्या देखिए क्या आपका, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मिक्स्ड ईथर। क्यों, क्योंकि देखिए दोनों में एल्किल ग्रुप क्या है, डिफरेंट टाइप का लगा हुआ है, इसे कहते हैं मिक्स्ड ईथर। ठीक बेटा, अब देखिए और यदि वही चीज है कि R1 greater than R होगा, एग्जांपल ले लेते हैं, आप एग्जांपल लेते हैं तो मैं लिखा CH3OCH3, देखिए अगर सिंपल नेम की बात करें बेटा तो इसका आपको मालूम है फॉर्मूला हो जाएगा, सिंपल नेम से क्या हो जाएगा, डाई मेथिल ईथर। ठीक है, अब बेटा इसका सिंपल नेम ये हो गया। अब हम आईयूपीएसी नाम की बात करते हैं, इसका आईयूपीएसी नाम देखने क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, अब देखिए जो इसमें समान समूह दे रखे हैं, जब जो समूह छोटा होता है उसमें लगाते हैं ऑक्सी और जो बड़ा होता है उसे लिखते हैं एल्केन का नाम देते हैं। देखिए इसमें सेम लिखी है तो आप किसी को लिख सकते हैं, कहते हैं कि मेथॉक्सी मेथेन। हमने क्या कहा कि एक में ऑक्सी लगाते हैं और बाकी जो है एल्केन का नाम लिखते हैं। सिंपल देखिए एग्जांपल पे मिस देखिए CH3OCH2H5 देखिए। सिंपल ने वैसे ही बताया कि अल्फाबेट देखेंगे तो क्या हो गया, एथिल मेथिल ईथर। सिंपल ने इसको एथिल मेथिल ईथर। अब हम बात करते हैं आईयूपीएसी की, बात करते हैं देखिए आईयूपीएसी में क्या होगा, हमने कहा कि जो समूह छोटा होता है, देखिए छोटा समूह क्या, देखिए आपका छोटा समूह दे रखा है, इससे बड़े क्या दे जाएगा, सरेगा मेथॉक्सी। ठीक, बड़ा क्या हमारा एथेन है, तो क्या हो गया मेथॉक्सी एथेन जाएगा। इस प्रकार ईथर का भी नामकरण हो जाता है। अब बेटा हमारा अगला क्या है, थायो एल्कोहल। अगला हमारा समूह क्या है आपका, ठीक है इसे देखिए मेंबर देखते बेटा, इसके मेंबर क्या हो जाएंगे, इसके मेंबर हो जाएंगे देखिए, तो बेटा क्या इसे मेंबर बेटा हो जाएंगे आपका 12 तारीख के 13 ग्रुप आपका
13 है, तो पेपर से क्या लिखोगे, इसे निकालेंगे एन, मालिक का फॉर्मूला सिंपल है, और फिर आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम। ठीक बेटा, हमने फिर क्या रखी, देखिए एक रखना सूत्र हमारा क्या देखे आया, सी एस थ्री एस एच आया, इसका नाम क्या आएगा, मेथिल थायो एल्कोहल, क्या बेटा जाएगा मेथिल थायो एल्कोहल जाएगा, या हमारा कैप्टेन आ जाएगा। ठीक है, तो मेथिल थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल। ठीक बेटा, नाम कैसा जाएगा, इसका बेटा जाएगा मर कैप्टो, मर का, ठीक है मर कैप्टो, एक कार्बन बेटा मेथेन, याद ना हो तो याद से लिख लीजिएगा, कह दीजिएगा कि मार के काट दो, मर कैप्टो जाएगा, तो मर कैप्टो मेथेन हो गया। सेकंड देखिए C2H5SH, ठीक है, इससे क्या जाएगा एथिल थायो एल्कोहल, यहाँ से क्या जाएगा मर कैप्टो एथेन, क्या जाएगा मर कैप्टो एथेन जाएगा। थर्ड देखिए C3H7SH, क्या जाएगा प्रोपिल थायो एल्कोहल, प्रोपिल थायो एल्कोहल, यहाँ से क्या जाएगा मर कैप्टो, दीजिएगा अच्छा मर कैप्टो प्रोपेन, मर कैप्टो प्रोपेन। ठीक है, ये आपका थायो एल्कोहल हो गया। अगला बेटा आपका एसिड क्लोराइड, क्या आपका है बेटा, अगला हमारा क्या है एसिल ग्रुप है, एसिल ग्रुप में क्या होता है कि जो है इसका बेटा ये क्या होता है, ये एक्चुअली क्या है कि इसे हमारा देखिए ये क्या होता है एसिड, अगर हमने इस एसिड से इस OH को Cl से गलत क्या बन जाएगा, तो बेटा देखिए COCl, ठीक है बन जाएगा COCl बन जाएगा, और इस COCl को बेटा क्या कहते हैं एसिल समूह कहते हैं, कहते हैं इसको एसिल समूह कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है एसिड समूह होने बेटा देख क्या होता है कि जैसे हमने कहा कि इसका पोटेशियम फॉर्मूला क्या देखा जाएगा, क्या बोला जाएगा CnH2n+1COCl। ठीक है, या RCOCl कहते हैं, अब नाम कैसे एन हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, सिंपल नेम हो गया, फिर IUPAC नेम हो गया। ठीक बेटा, हमने क्या किया एन की वैल्यू क्या किया, हमने रखा इसमें रखा है तो क्या जीरो से स्टार्ट करेंगे, हमने क्या लिया जीरो लिया, तब मालूम का फॉर्मूला क्या आएगा हमारा आएगा, मालूम फॉर्मूला आपका आएगा एच सी ओ सी एल, क्या है ना, तो क्या बेटा जाएगा इसका जाएगा फॉर्मिल क्लोराइड, क्या हो गया फॉर्मिल क्लोराइड। ठीक, आई पी सी नाम बताया नहीं मैं आपको, इसमें होता क्या है कि संगत एल्केन से हटाकर जो है ऑयल जोड़ देते, क्या कहते हैं ऑयल क्लोराइड जोड़ देते हैं। ठीक है, कहने लो कैसे, अब देखिए क्या था पर एक कार्बन से क्या जाएगा एल्केन, कौन सा होगा मेथेन हो जाएगा, मेथेनोइल क्लोराइड, हमने कहा था कि क्या कहते हैं ऑयल क्लोराइड होते हैं, तो क्या जाएगा मेथेनोइल क्लोराइड जाएगा बेटा आपका। देखिए इसे क्या जाएगा बन रखा मतलब क्या बना बेटा CH3COCl बचा, नाम कैसे बन जाएगा एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। अब देखिए आप डायरेक्ट इसका नाम कैसे बन जाएगा एथेनोइल क्लोराइड, एथेनोइल क्लोराइड। अब देखिए जब क्या बन जाएगा सरल दो रखा तो क्या देखा आएगा, जाएगा CH3 इसके C2 H5COCl बेटा क्या जाएगा, देखिए प्रोपेनोइल, प्रोपियोनिल, प्रोपियोनिल क्लोराइड। ठीक है,
क्या जाएगा? प्रोपियोनिल फ्लूइड इसको हो जाएगा, इसका नाम क्या जाएगा? प्रोपेनोइल फ्लूइड, प्रोपेनोइल फ्लोराइड क्या जाएगा बेटा? इसका किस नाम हो जाएगा? प्रोपेनोइल फ्लोराइड जाएगा। कुछ और भी इसके आगे है कंपाउंड्स, देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।